day, I greet all the people of the community for the prosperity of the whole world. ये विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पे मैं सबको बधाई देता हूँ कि जो इस कम्युनिटी का योगदान सिर्फ भारत या फिर झारखंड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जंगल बचाने में हो, चाहे वो पर्यावरण में हो या सोसाइटी के जिस अलग अलग क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन है, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो उनका योगदान हमारे पर्यावरण को बचाने में, उनके समाज और संस्कृति में जो रोल अदा किया है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये जो आपका कल्चर है, चाहे म्यूजिक हो, ड्रेस हो, फूडिंग हो, और ये जो पर्यावरण से जितने भी उनका लगाव है, तो पूरी मानवता पूरी दुनिया में इस यूज करते हैं, वो सारा हमें प्रकृति से ही मिलता है। तो जो आपका ये जो मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि इस समाज से जो दुनिया को सिखाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कि हम साथ विकास करें ही और अपने पर्यावरण को भी बचाएं, जैसे श्यामलाल उरांव साहब कह रहे थे कि विश्व आदिवासी दिवस के को पूरी सरकार के द्वारा एक पूरे भारत में या फिर पूरी दुनिया में ही कह ले कि छुट्टी का अवसर मिलना चाहिए, तो मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ कि ये इतना पुराना कल्चर है कि इसे इस तरह की प्रमोशन। तो ये जो उनका सुझाव है, तो मैं इसे एग्री करता हूँ कि इस जो कल्चर को बचाने के लिए या फिर पूरी दुनिया में जो ये आदिवासी कल्चर अपने आप में जो यूनिक है, इसको बचाए रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि समाज के हर एक लोग, हर एक समुदाय इसको सपोर्ट करे और इसे आगे आने में बढ़ावा दे। फिर इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं श्यामलाल उरांव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इसमें मेरे को इनवाइट किया और आपसे मिलने का मौका मिला। इससे पहले भी मैं इस तरह के कार्यक्रम में आपका आ चुका हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है, तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। ये फंक्शन बहुत ही अच्छा है, आप इसे इंजॉय करें। और ये मैं फिर वही कहूंगा अपने तरफ से कि जय झारखंड, जोहार, जय सरनाम, जय सरनाम।